गेट सेट गो, आई एम लीविंग लाहौर और बिलाल मुझे सी ऑफ करने खड़ा हुआ है। थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी बिलाल अगेन। और बहुत अच्छा लगा बिलाल के साथ, टाइम सेट हो गया, सामान भी सारा सेट हो गया और बाइक वार्म अप हो रही है, रेडी टू गो। इंशाल्लाह अब रास्ते में ब्रेक मारेंगे कहीं। थैंक्स अगेन यार बिलाल। बहुत शुक्रिया बिलाल, थैंक यू। फिर इंशाल्लाह खैर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं ओकाड़ा पहुँच गया हूँ खैरियत से। और बिलाल के घर से निकला था मैं नॉन स्टॉप, जो है ना ओकाड़ा तक चला के आया हूँ। 155 किलोमीटर्स बनता है तो सिर्फ 2 मिनट रुका था फ्यूल भरवाने के लिए। तो अभी रास्ते में दिखाने में कुछ भी नहीं है, इसलिए स्पॉट टू स्पॉट वीडियो बना रहा हूँ। और बाइक सही परफॉर्म कर रही है और गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एज़ यूजल पंजाब से जैसे ही हम नीचे नीचे आते जा रहे हैं गर्मी बढ़ती जा रही है। अभी ज़रा फ्रेशन ब्रेक लिया, बाइक ओके है, दिल थोड़ा सैड भी है, टूर ख़त्म हो रहा है लेकिन एक्साइटमेंट भी। अपने घर जा रहा हूँ, अपने घर वालों से मिलूंगा मैं जाकर, तो मिक्स मूड है, क्वाइट एक्साइटेड एंड क्वाइट हैप्पी, बिट सैड ऑल्सो। तो इंशाल्लाह देखें यहाँ से निकलूँगा कहाँ तक ब्रेक लगती है, कहाँ नहीं लगती है। अब तो बस चल सो चल, सीधी रोड है, जा ही जा रहे हैं। अकेले ड्राइव का भी मज़ा अपना ही है, जा रहे हैं नॉन स्टॉप, जहाँ दिल करता रुक जाते हैं। लेकिन कोई पार्टनर हो मियाँ साहब की तरह तो फिर मज़ा आता है। अब पता नहीं वो फैसलाबाद में आए निकल गए हैं, क्या सीन है मुझे नहीं पता। तो ऐसे समझ लें मेरे टूर की बस लास्ट ड्राइवर्स टूर की, तो इंशाल्लाह मैं मुल्तान पहुँच गया हूँ खैरियत से। चिप्स खाएंगे आप? नहीं, अच्छा। पहुंच गया हूँ और पेट्रोल थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, ख़त्म तो नहीं अभी रिजर्व लगने वाला था, तो मैंने कहा थोड़ा सा डलवा लूँ। तो राइड बहुत स्मूथ जा रही है, काड़ा से जब आगे चलाऊँ तो बहुत फिट सेशन चल रहा था। अभी ये शेल पंप से फ्यूल डलवाया तकरीबन, और गेट सेट गो, बस टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, टॉप टॉप जा रहा हूँ, हेलमेट भी नहीं उतारा इवन के मैंने। तो ऑल सेट टू गो।
से पहुंच गया हूं। और मंजी पे लेटने का मकसद ये नहीं कि मैं थका हूं, स्टिल आई एम वेरी वेरी फ्रेश, और मैं चाहूँ तो अभी मुल्तान नॉन स्टॉप तक जा सकता हूं, लेकिन मंजी मिल गई तो लेट गया थोड़ी देर। बाइक को मैंने रेस्ट दे दिया थोड़ा सा, सो फार सो गुड, एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन। और अकेले राइड करता कोई इजी नहीं है, 1.25 किलो का हेलमेट और 3-4 किलो की वर्दी पहन के करता इजी टास्क नहीं है, लेकिन ये है कि शौक करवाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओकाड़ा से खाने वाल तक का बैच बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी ड्राइव हुई है, ये भी तकरीबन 155 किलोमीटर बनता है। लाहौर से ओकाड़ा वाला बैच थोड़ा सा वो था, एक्टिव था, ट्रैफिक था बीच में, तो ये बैच बहुत अच्छा था, मौसम भी अच्छा है, सनसेट ऑलमोस्ट हो रहा है, तो एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन। शहजादी भी ज़बरदस्त चली है, बस अभी रेस्ट किए थोड़ा सा, मैंने खुद ही कहा बाइक को रेस्ट दे दूँ, मैं तो थका हुआ नहीं था, मैं फ्रेश था, तो मैंने कहा मुल्तान जाके मैं वीडियो बनाता हूँ, मैंने कहा रुक जाऊँ, तो बहुत अच्छा था ओवरऑल टूर, ऑलमोस्ट 10 घंटे को आया, तो हर चीज़ टूर तो बहुत अच्छी थी, थोड़े से मामला बिगड़ गए, थोड़े से अच्छे भी हो गए, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इंशाल्लाह अभी आपने पीछे तस्वीरें देखी आपको अच्छी लगी होंगी, तो मैंने रुक रुक कर जो है तस्वीरें बनाई हैं और इन्जॉय करता आया मैं सफ़र को। एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। 30-40 किलोमीटर रह गए मुल्तान, इंशाल्लाह ये भी कवर करके घर पहुँचूँगा सुकून से, और टूर को एंड करूँगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू कि मैंने पिंडी से लाहौर तक जो है ना वो तकरीबन 300 किलोमीटर्स बनता है, और लाहौर से मुल्तान तक 350 किलोमीटर्स बनता है, तो मैंने विद इन 2 डेज 650 किलोमीटर्स की है, तो बड़ी अचीवमेंट है। 40 किलोमीटर्स रह गए ये भी करके, फिर 650 किलोमीटर हो जाएगा, तो बड़ी अचीवमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खलीस हो गया। तो बस अब कांट वेट टू गो, और मैं अपने घर वालों से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और इंशाल्लाह निकलता हूँ थोड़ी देर में, और फिर घर वालों से मिलूँगा।